धर्म के सिद्धांत पर चर्चा की जाएगी। विगत वीडियो में जैन धर्म के सिद्धांत पर चर्चा हुई थी। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वह चत्वारी आर्य सत्य, गौतम बुद्ध ने कहा था कि चत्वारी आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म का सार है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो चत्वारी आर्य सत्य में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है, संसार में जितने भी लोग हैं वे दुखमय हैं, दुख तो है। दूसरा है कि दुख क्यों है, दुख के मूल में तृष्णा है, तृष्णा का आशय इच्छा होता है। हर मनुष्य अनंत इच्छाएं पाल रखा है और इच्छा ही दुख की जननी है, इच्छा दुख की जननी है, अनंत इच्छाएं जो हम पाल रखे हैं यही दुख की जननी है। चत्वारी आर्य सत्य में तीसरा है इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग करने से दुख निरोध संभव है, दुख को रोका जा सकता है, दुख तो है लेकिन जो जितना इच्छा का त्याग करेगा उसको उतना ही कम दुख होगा। चौथा जो चत्वारी आर्य सत्य का है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा माने दुख कैसे समाप्त होगा उसके लिए उन्होंने एक मार्ग दिया था, उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो इसी अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन करने से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरोहितों के चक्कर में जो हम पढ़ते हैं वे जो कहते हैं कि ऐसा करो वैसा यज्ञ करो ऐसा कर्म करो तो दुख से छुटकारा मिलेगा, उनका चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जैसा कि गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में बताया है। तो आइए अष्टांगिक मार्ग में क्या है, जो आठ रास्ता है उसमें पहला है सम्यक दृष्टि, अंग्रेजी में उसको राइट व्यू या राइट विजन कहा जाता है। आपका दृष्टि आपका विजन अगर सही है, क्या करें क्या न करें ऐसी पहचान अगर आप में है तो आपको दुख से छुटकारा मिल सकता है, दुख कम से संसार दुख में तो है, दुख तो है लेकिन दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध ने जो आठ मार्ग बताए उसमें पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक राइट व्यू राइट विजन होना चाहिए। दूसरा अति महत्वपूर्ण है सम्यक संकल्प, संकल्प का आशय डिटर्मिनेशन से होता है। कोई भी कार्य जो आप करते हैं अगर संकल्पित होकर करते हैं तो उस कार्य की आप मंजिल तक पहुंचते हैं, आपको दुख कम, वहां भी इच्छा है। किसी भी कार्य के संकल्प जो आप लेते हैं तो वहां भी आप कुछ इच्छा पा लेते हैं, लेकिन अगर आपका संकल्प सही है रिजोल्यूशन सही है तो आपको दुख कम ही। तीसरा और भी महत्वपूर्ण है वह है सम्यक वाक, वाक का मतलब बोली से होता है, राइट वर्ड्स, आपकी वाणी, वाणी को ही मित्रता की पहचान मानी जाती है। बहुत सारे मनुष्यों ने बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी वाणी सही होगी तो आपको दुख कम होगा, आपको सुख की अनुभूति होगी। अगला है सम्यक कर्मांत, सम्यक का तो राइट होता है, कर्मांत का अर्थ एक्शन होता है, आपका जो कार्य होना चाहिए वह सही होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ पाने के लिए आप गलत साधन का प्रयोग कर लेते हैं, इन किन प्रकार आप चाहते हैं कुछ कार्य को करें तो फिर उससे सुख नहीं होगा, थोड़े दिनों के लिए आपको सुख दिखाई देगा लेकिन अंततोगत्वा वो गलत ही होगा, तो आपका राइट एक्शन होना चाहिए। अगला है सम्यक आजीव, आपका लिविंग भी सही होता है, राइट लिविंग लिवलीहुड। आज अक्सर लोग जो गलत ढंग से साधन से धनार्जन करते हैं उनका जीवन शैली गलत हो जाता है, वो दिखाने के लिए तो उनको लगता है कि हम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं लेकिन वो गलत होता है, उससे दुख होता है। और संसार दुखमय है, दुख से निजात पाने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया था, उसमें उन्होंने कहा था सम्यक आदि राइट लिविंग सो होना चाहिए। अगला जो उन्होंने एक बताया था